अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ ता फरमाए। अल्लाह मियाँ आप लोगों सब लोगों को अपने घरों में शाद आबाद रखे और ढेरों लाखों करोड़ों खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुमामीन। और जी यहाँ पर जी है जी आपने सामने से तो देख लिया होगा कि ये है जी मेरा बचपन का घर जिसमें मैंने सारा बचपन गुजारा अपना। और यहाँ पे ये स्टेयर्स नहीं थी पहले। और जो सामने ऊपर की साइड पर आपको जगह नज़र आ रही है यहाँ पर बन चुका है घर। और घर के साथ में ही यहाँ से रास्ता था जाने का और वो मतलब ऊंचा नीचा रास्ता था। इस तरह से मतलब प्लान जगह नहीं थी। और ये जो सेम है ये भी बिल्कुल नहीं था। आगे मैं पिक्चर में आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पर कैसे ग्रिल, हमारे घर के चारों साइड पे जो है वो ग्रिल लगी हुई थी। और उस ग्रिल के अंदर जो है वो जो किचन बेंच जो सामने डोर था उसके आगे सहन था। और बाकी साइडों पे जो है वो इतनी सी जगह थी कि बंदा आराम से बैठकर वहाँ पर हवा लगा सकता है। तो ये देखिए ये वो सामने जहाँ से हम अब स्टेयर चढ़ के आए हैं वो वाली जगह पीछे बैक पे है। और बाकी ये जो सहन दिखा रही हूँ इसकी जगह पर इतनी सी जगह थी। और ये मैं और मेरा भाई है, हम छोटे छोटे से थे जब ये तब की पिक्चर है। और माशाल्लाह से ये जो सामने आपको इतने ज़्यादा घर नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं थे। और ये वाली पहाड़ी थी पूरी। और यहाँ पर भी एक हमारा गेट छोटा सा ग्रिल के साथ लगा होता था कि यहाँ पे हम ये रात को बंद कर देते थे। और यहाँ पर मैं आगे पिक्चर दिखाऊंगी पापा मेरे बैठे हुए। और वहाँ वो भी इसी सी जगह थी कि पहले जहाँ पर मैं और मेरे भाई की पिक्चर है उसी जगह थी। और ये है जी हमारा इस साइड पर ड्राइंग रूम। और यहाँ पर भी सेम नहीं होता था। यहाँ की पिक्चर मुझे कोई नहीं मिली तो इसलिए जो है वो मैंने इसमें ऐड नहीं की। और लेकिन जो बाकी जो मुझे पिक्चर्स मिली हैं वो मैंने सब जो ही मिली हैं वो मैंने ऐड कर ली हैं। बाकी मुझे पूरे घर की भी कोई पिक्चर नहीं मिली। जो रोड देख रहे हैं ये बिल्कुल कच्ची रोड होती थी पथरीली। और ये देखिए कि अब इन्होंने इसको जो है वो पक्का कर दिया है और पूरी फुल अच्छी सी रोड बना दी। और ये है जी पहाड़ी के साथ एक ग्रिल। और ग्रिल के अंदर अच्छी जगह होती थी, यहाँ पर हम लोग बैठते थे खेलते थे। ये था हमारा वो काउंटर पे है ड्राइंग रूम। और ये वाला जो डोर है ये डोर नहीं था, ये वाला ये अभी इन्होंने जिन्होंने मकान बाई किया उन्होंने बनाया। और ये था मेरा और मेरी सिस्टर का रूम। और उससे आगे था मेरी मम्मा और पापा का रूम। और ये है हमारा ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम की कुछ पिक्चर्स मुझे मिली थी ओल्ड। और ये हम तीनों बहन भाई हैं। और पीछे पिक्चर में मेरी मम्मा और मेरी खाला और मेरी कज़न थी। और ये था जी हमारे घर के साथ ग्राउंड जहाँ पर हम लोग खेला करते थे। और वो ऊपर पहाड़ी पे भी जो है वो वहाँ पर भी हम लोग खेला करते थे। और ये है जी हमारी अब की लुक घर की। लेकिन ये पहले ऐसी लुक नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढी कि मुझे अपने फुल घर के बाहर की पिक्चर मिल जाए पर नहीं मिली। और ये शॉप्स भी नहीं होती थी। और जो शॉप के ऊपर जो घर ही मेरी शाही जान का होता था उन्होंने भी सेल कर दिया है। तो अब जब हमने सेल कर दिया वो नीचे जो घर है वो नीचे जो आपको इस घर के नीचे नज़र आ रहा है वो मेरे फूफो का घर है, उन्होंने भी सेल कर दिया है। तो हम सब लोगों ने अपने अपने घर सेल कर दिए हैं। तो तकरीबन अब सिर्फ वहाँ पर एक ताई जान है और बस कुछ लोग ही रह गए हैं। बाकी सब लोगों ने अपने अपने घर और सेल कर दिए हैं। और ये है हमारा ग्राउंड जहाँ पर हम मैंने अपना बचपन गुजारा और हम सब खेला करते थे और बहुत मज़ा आता था। और जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रही तो मुझे अपना वो सारा एक एक पल और एक एक लम्हा मुझे याद आ गया कि हम लोग कैसे जो है वो यहाँ पर बड़े 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 हुए। और ये है मेरी फ्रेंड की बहन का घर जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये भी घर नहीं होता था पहले, ये भी अभी बना है। और बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि अभी बने हैं, पहले नहीं बने हुए थे। तो बस ये थोड़ी सी छोटी सी क्लिप पे टाइमिंग बहुत शॉर्ट थी तो मैंने इसी बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और मेरा होम टाउन और चाइल्ड हुड होम भी अच्छा लगा होगा। तो दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे तरक्की और कामयाबियाँ ता फरमाए। आमीन सुमामीन। मुझे मेरे को और मेरे चैनल को दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह से फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने आती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। इंशाल्लाह से फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।